ऑन द बैंक्स ऑफ रावी। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। तो क्या इसकी बाउंड्री भी थी? यस, देयर सम बाउंड्रीज। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, जो नॉर्दर्न बाउंड्री थी दैट इज डिफाइंड बाय द हिमालय एंड हिंदुकुश, जो ये आपका एलिवेशन था, ऊंचाई जो थी ये इसकी नॉर्दर्न बाउंड्री यानी उत्तरी सीमा तय करती थी। ठीक है, तो इंडस वैली में, अब हमें समझ में आया इंडस वैली में इसका एक्सपेंशन था, क्योंकि हमें हमें हमारी जो बेसिक, हम कहां सेटल करेंगे? जहां हमारे पास सॉइल होगा, क्योंकि सॉइल इज द बेस ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का आधार मिट्टी होती है। ठीक है, तो उपजाऊ मिट्टी कृषि के लिए बेहतर होगी। एग्रीकल्चर इज द बेस ऑफ सोसाइटी, तो मैंने क्या बताया, सॉइल इज द बेस ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इज द बेस ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी मेड हायरार्की, हायरार्की मेड द लेबर डिवीजन, एंड लेबर डिवीजन मेड द डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम एंड पॉलिटिकल सिस्टम इन एनी सिविलाइजेशन। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, चीजें आपस में लिंक है। फिर से कह रहा हूं, मिट्टी कृषि का आधार होती है, कृषि समाज का आधार होता है, खाद्य सुरक्षा का आधार होता है, समाज का अनुक्रम यानी कि जो लेबर डिवीजन यानी कि जो आपकी श्रम शक्ति का विभाजन होता है वो समाज में अर्थव्यवस्था और राजनीति को जन्म देता है या उसकी स्थापना करता है। क्लियर है, घबराने की बात नहीं है, जब आप एनसीईआरटी में, इसको बहुत विस्तार से बताऊंगा, जस्ट लिंक इट, क्या होने जा रहा है और मेरे पढ़ाने का तरीका कैसे अलग होगा, कैसे मैं एक एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के अंदर आपको जाकर जोड़ूंगा। कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं ये जानना आपके लिए बड़ा जरूरी है। फिर से रिवाइज करा रहा हूं, कॉन्सेप्ट इसलिए क्योंकि एक बार आपको ये पता चल गया कि किसी भी जो हमारा एक सिस्टम है, सिविलाइजेशन डेवलप हो रहा है, तो एग्रीकल्चर का डेवलप होना बहुत जरूरी। क्या आज हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर का मुद्दा हट गया है? आज मुझे आप बताएंगे, आप सभी बहुत जागरूक है, क्या इंडियन एग्रीकल्चर वापस बहुत प्रॉस्परस हो चुकी है? क्या एग्रीकल्चर की सारी समस्याएं, कृषि की सारी समस्याएं खत्म हो गई हैं? बहुत ज्वलंत मुद्दा हाथ डाल रहा हूं मैं, तो तुम्हें हड़प्पा पढ़ा रहा हूं और हड़प्पा से एक कॉन्सेप्ट है, क्या मैं आज के समाज में उसको डाल सकता हूं, हां या ना, मुझे अब बताइए। अब यही सोच दो अलग अलग युगों की, दे आर टू डिफरेंट एजेस, यू आर लिविंग इन द 2021। मैं हड़प्पा के बारे में बात कर रहा हूं, सबसे एंशियंट सिविलाइजेशन के में से एक की बात कर रहा हूं, और आपके पास अब समझ आ चुकी होगी व्हाई एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी इज द बेस ऑफ एनी सोसाइटी, व्हाई इट इज कंसर्न इन एनी कंट्री। फूड सिक्योरिटी किसी कंट्री का कंसर्न क्यों बन जाता है, अब आप है यस या नो, मुझे बताओ। अगर इतने कम टाइम में, अभी मुझे 20 मिनट हुआ, और अगर इतने कम टाइम में दो मुद्दों को आप अगर जोड़ पा रहे, दिस इज द मैजिक ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच ऑफ स्टडी। यही इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का यानी अंतर विषयक नॉलेज का सबसे मूलभूत आधार होता है। यस या नो, बताइए क्या आज आप इस बात को समझ पाए? नहीं, कुछ नहीं आ रहा है। नहीं, क्लियर सर, दिस इज इट। क्या मैंने बताया? दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आए। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में आपको यह समझ में आया कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, सोसाइटी, इकोनॉमी एंड पॉलिटी, हाउ दे लिंक टू ईच अदर। बहुत खूबसूरत बात है, इसको बना के आज क्या करोगे, इसको बनाकर आज अपने पेज पे लिख के इसको टांग दोगे जहां भी पढ़ते। ये अलग अलग डब्बे नहीं है, ये रेलगाड़ी के पार्ट है, इनको हमें खींचना है, नंबर वन। दूसरा मैंने अभी क्या बताया, दूसरा मैंने आपको सिंपल बताया, सॉइल यानी मृदा इज द बेस ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का आधार होती है, एग्रीकल्चर इज द बेस ऑफ सोसाइटी, क्योंकि एग्रीकल्चर हमें क्या प्रोवाइड कराती है, खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी। और किसी भी समाज में जब सुरक्षा मिलने जाती, जानवरों से सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा पहली सुरक्षा है, तो समाज इकट्ठा होता है। समाज का मतलब क्या होता है, समुदाय, कम्युनिटीज का एक जगह इकट्ठा हो जाना, और जब वो इकट्ठा होता है, रिप्रोडक्शन करते हैं, बच्चों की संख्या बढ़ती है, आबादी बढ़ती है, धीरे धीरे वो सोसाइटी में डेवलप हो जाते हैं। व्हेन सोसाइटी हैज द लेबर डिवीजन, सम में इसमें जो है विभाजन होता है, तो देन इज द बेस ऑफ इकोनॉमी एंड पॉलिटी, आपकी सत्ता, राजा कौन बनेगा, राजा का तरीका क्या होगा, राज्य प्रशासन कैसे चलाया जाएगा, टैक्स किससे लिए जाएंगे, टैक्सेशन सिस्टम, आगे सबको पता है कि आगे क्या पढ़ाना जाना है, एंड पॉलिटी यानी अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था, दोनों का आधार होती है। तो आपको समझ में आया कि वाई द चूजन द सप्त सैंधव प्रदेश, इसको जो है वैदिक काल में इसको सप्त सैंधव कहा जाएगा। इंडस, वाई दिस इज नोन एज इंडस, वाई इंडस ओनली,
इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहा गया? क्लियर है, मैंने हिस्ट्री को ज्योग्राफी से समझाया है, आप मुझसे ज्यादा पढ़े होंगे, आपने हड़प्पा को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। बस मैंने तो अभी सान्याल की एक नई किताब आई है, ठीक है, बहुत प्यारे नया रिसर्च आया, बहुत अच्छा लिखते हैं सान्याल, और मैं तो नई नई चीजें पढ़ता रहता हूं। तो उन्होंने भारत के इतिहास को नदियों के आधार पर लिखा है, बड़ा मजा आता है उसमें पढ़ने में, भूगोल के बेस पर इतिहास को लिखा गया है, यह होता है जोड़ने का तरीका। क्लियर है? अभी कोई है रितु चौरसिया, नोट शेयर कर देना, हमारे यहां सब सिस्टम नहीं चलता है, नोट शेयर कर देना, वो पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये नोट जब तुम्हारा टीचर बना रहा है तो तुम्हें भी अपने उसके साथ बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर बैठ के केवल सुनोगे तो मैंने बताया ना कि एनएलपी ट्रेनर हूं, जो अगर आप व्हेन यू लिसन आपको केवल 11% याद रहेगा, व्हेन यू डू 93% याद रहेगा। तुम सोचो कि मेरी क्लास से तुम्हें 11% लेना है या 93% लेना, योर चॉइस, टाइम इज वेरी लिमिटेड। क्लियर? चलो आगे बढ़े, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और आगे चलकर फिर सब कुछ डेवलप होता है, आर्ट एंड कल्चर डेवलप होता है, पॉलिटिकल रेस्ट, पॉलिटिकल अनरेस्ट, सब कुछ, स्ट्रगल्स, डायनेस्टीज, ये सब कुछ यहां से आते हैं। लेकिन कहां से शुरू हुई थी बात, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, सो अगर हम इसकी बाउंड्रीज की बात करूं, सो वेस्टर्न बाउंड्रीज की अगर हम बात करें, इसकी पश्चिमी सीमा, तो पश्चिमी सीमा जो है वो सुत का गेंडोर और सुत का कोह, ये बेसिकली जो है वो समुद्री स्थल से लगते हैं, ये इसकी वेस्टर्न बाउंड्रीज जो ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट जाना जाता है, कौन कौन से, सुत का कोह और सुत का गेंडोर। अब जब हम पढ़ेंगे तो ये जब शब्द आएंगे तो आपको बहुत फैमिलियर होगा कि भाई मैं वेस्टर्न कोस्ट में, तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पन कल्चर का ये वेस्टर्न बाउंड्री थी, यानी पश्चिमी सीमा थी। अब सुखदीप ने पूछा है कि हाउ इकोनॉमिक्स लिंक अप टू द पॉलिटिक्स, लिखो ये क्वेश्चन डायरी में लिखो, ये डे वन तुम्हें ये सब चीजें नहीं बताई जा सकती, इट टेक सम टाइम, ये डिस्कशन के साथ आएगा, धैर्य रखो, ये दुनिया की आखिरी क्लास नहीं है अगर जहां तक पॉसिबल है तो। एंड द ईस्टर्न बाउंड्री, जो इंडस हड़प्पन कल्चर की जो ईस्टर्न बाउंड्री यानी पूर्वी सीमा थी वो आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीरपुर में यहां पर थे, दैट इज आलमगीरपुर, देयर टू बाउंड्रीज। चलो, सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्टेजेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या एक सिविलाइजेशन एक झटके में पैदा होता है? नहीं, इसके कुछ चरण होते हैं। सिविलाइजेशन इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट, जो हमारा सभ्यताएं होती हैं वो विकास के क्रम में चलती हैं। मैंने विकास के बारे में बताया था, डेवलपमेंट के बारे में बताया, डेवलप इज नॉट ऑलवेज द पॉजिटिव वर्ड, इट्स ऑल्सो अ नेगेटिव वर्ड, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ थ्योरीज रिलेटेड टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो डेवलपमेंट का मतलब होता है अपनी स्थिति को छोड़कर आगे बढ़ जाना, प्रसार होना, ठीक है, वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, तो डेवलपमेंट के रूप में हम देखते हैं। तो सिविलाइजेशन ऑल्सो रिलेटेड टू द डेवलपमेंट, यानी ये प्रोग्रेसिव होता है, अपने स्टेज से निकलता है। तो अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो देर आर थ्री टाइप स्टेजेस, लिखो, सिंधु घाटी सभ्यता के चरण, विकास के चरण, स्टेजेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। फर्स्ट स्टेज, लिखो प्रथम चरण। अब हम लोग नोट्स इसी तरह बनाते हैं, इसको LWMI का बेसिस कहता हूं मैं, ठीक है, सारी कहानी पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक बेस आपके पास आके जुड़ जाएगा, और हम कम से कम शब्दों का, लेस वर्ड मोर इंफॉर्मेशन, राइट, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट स्टेज इज नोन एज, जो प्रथम चरण, लिखो हेडिंग डालो, फर्स्ट स्टेज और प्रथम चरण, ये LWMI नोट्स हैं। अगर आपको लंबे लंबे पैराग्राफ लिखने की आदत है तो आपको शुरुआत में दिक्कत होगी, लेकिन जिस दिन आप ये सीख जाएंगे आपको फिर और कोई नोट्स अच्छे नहीं लगेंगे, एक एक पेज पे पूरा पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो इसको नियोलिथिक स्टेज भी कहते हैं, नियोलिथिक, ठीक है। अब एक एक शब्द को समझते जाओ, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो नियो का मतलब होता है नया, लिथ मतलब होता है, ज्योग्राफी में रॉक को बोलते हैं, जो कड़ा है, चट्टानी है, लिथ एक लैटिन रूट वर्ड है
यानी कि लैटिन भाषा का शब्द है लिथ को, मतलब होता है रॉक, यानी कि ये नव पाषाण, रॉक मतलब पाषाण हो गया, तो यानी पत्थर के हथियार लेकिन थोड़े से आधुनिक के रूप में हम लोग इसको नव पाषाण युग के रूप में भी जानते हैं। डोमिनेंस ऑफ द जो हमारे हथियार थे वो बेसिकली इसको प्री हड़प्पन एज भी कहते हैं, यानी हड़प्पा से पूर्व की सभ्यता, इसको पूर्व हड़प्पा काल भी कहते हैं। दिस इज नियोलिथिक एज जो यहां पे बोला गया फर्स्ट स्टेज के बारे में। लिखो प्रथम चरण नव पाषाण चरण भी कहा जाता है, इसको पूर्व हड़प्पा काल भी कहा जाता है, पूर्व हड़प्पा काल। अब अगर मुझे इसके बारे में जानकारी लेनी है तो क्या है, अब मैं इसको लिखूंगा कहां कहां था एरिया, ये सिंबल है एरिया का, ठीक है। तो भैया एरिया क्या था, यानी क्षेत्र कहां था इसके विस्तार का, एरिया। पहला इंडस प्लेन, ठीक है, सिंधु के मैदानों में, सिंधु मैदानों में, नदी नीचे की तरफ आ रही है, नदी ऊपर की तरफ तो जाएगी नहीं, तो सिंधु के मैदान जो भारत और पाकिस्तान में फैले हुए थे वहां के मैदानों में इसका जो है वो स्थान होता चला गया। खासतौर पर एनसीईआरटी में पढ़ोगे एक नाम मेहरगढ़ का, मेहरगढ़। तो शुरुआती दौर में हमें ये बलूचिस्तान के इलाके तक फैलता हुआ दिखाते हैं, ठीक है, शुरुआत में दिखा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें नोट्स के साथ इतना प्यार हो जाएगा, एक झटके में पांच पांच दस दस मिनट में रिवीजन होगा पूरा, और हमें चाहिए क्या, स्मार्ट नोट्स हमें करना है। दूसरा आज हमने क्या सीखा, इंटरलिंक करना। तीसरा हमने सीखा विजुअलाइजेशन करना, जो पढ़ो उसको देखने की कोशिश करो, राइट। क्या कार्य करते थे, वर्क क्या था इनका, लिमिटेड एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारे पास एग्रीकल्चर करने के लिए व्यापक तरीके से हमारे पास औजार नहीं थे, पत्थरों से आप कितना काम कर लोगे, सो लिमिटेड एग्रीकल्चर, यानी कृषि जो है सीमित थी। अच्छा मैंने अभी क्या सिखाया, अब देखो समझ, अंडरस्टैंडिंग, बीटीएल किसे कहते हैं, लिमिटेड एग्रीकल्चर, आपने डाटा पढ़ लिया। आगे मैं कुछ नहीं तुम्हें दिखाता हूं, ठीक है, मैं यहां इसको छुपा देता हूं, एग्रीकल्चर लिमिटेड है। अब तुम मुझे एक लॉजिक बताओ, एक छोटा सा लॉजिक मुझे बताओ, देखिए आज मेरी क्लास कितने लोग समझ पाए, ठीक है, एक छोटा सा लॉजिक पूछता हूं तुमसे, अगर ये वाला याद है, अगर एग्रीकल्चर लिमिटेड है, अब आप मुझे जवाब देंगे कृषि जो है वो लिमिटेड है यानी कम है, सो क्या क्या हो रहा होगा समाज में, क्या क्या हो रहा होगा समाज में, आप मुझे बताएं क्या हो रहा होगा, क्या आपके पास सरप्लस फूड सिक्योरिटी होगी, हां या ना में जवाब दो, क्या आपके पास सरप्लस फूड सिक्योरिटी होगी, खाद्य सुरक्षा होगी, मुझे जवाब देते जाओ हां या ना, यस या नो। अगर आपके पास एग्रीकल्चर सीमित है अभी, तो क्या आपके समाजों में जो खाद्य सुरक्षा है वो अभी भी होगी, अब देखते जो कैसे मैं पढ़ाता हूं और कैसे आप खुद ही जो है वो जवाब दोगे। अगर फूड सिक्योरिटी कम होगी हां या ना, यस या नो, जवाब दो मुझे यस या नो, अरे देखो पूरी क्लास लग गई है, यस, तो इसका मतलब है कि आपके पास आबादी को बढ़ाने के लिए यानी समाज का आकार बढ़ाने के लिए आपके पास पर्याप्त कारण नहीं मौजूद होंगे, क्योंकि आपका बड़ा हिस्सा जीवन का जो है वो खाद्य सुरक्षा में लग जा रहा है, खतरा हमेशा भुखमरी का बना हुआ है। तो क्या मुझे बताओ, अब दूसरा क्वेश्चन, क्या जो सोसाइटी का यानी पॉपुलेशन का जो आकार है, समाज का जो आकार है, साइज है, वो बड़ा होगा, ये जो है लार्ज होगा, यस या नो, क्या सोसाइटी का एक बड़ा हिस्सा, क्योंकि आपके पास फूड सरप्लस नहीं है यानी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जैसे किसी बच्चे ने बड़ा अच्छा लिखा, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, सो अदर बियॉन्ड एग्रीकल्चर एक्टिविटी, ठीक है, अदर एक्टिविटीज में आप आगे जा पाएंगे, अदर एक्टिविटी में कुछ भी हो सकता है, आप उद्योग की तरफ जा सकते हैं, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट कुछ भी कर सकते हैं, नई चीजों को खोजने के लिए आप जा पाएंगे, अदर एक्टिविटी प्रॉस्परस होगी, यस या नो। मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, मैंने नोट्स दिखाए नहीं अभी आपको, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हम लॉजिक से पढ़ें और अगर हम चीजों को जोड़ें, अगर आपस में हमें कुछ नहीं रटना है, तुम अगर ये सोच कर आए कि एनसीईआरटी बहुत रटना, उजांग सर खूब फैक्ट लिखाएंगे, तो ये सब कुछ मिथ्या है। मैं तुम्हें सोचना सिखा दूंगा यार, एक धागा पकड़ो, अगर एक कॉन्सेप्ट क्लियर है सारे कॉन्सेप्ट मैं खुद ही क्लियर कर लूंगा, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो रटे हुए आते नहीं है, ऑप्शन जो आते हैं वहां हमें बैठ के लॉजिक के साथ सेट करना होता है, अच्छा ये होगा या ये होगा। हां जी चलो भाई, अगर फूड सिक्योरिटी कम, अगर मेरे पास एग्रीकल्चर मेरा डाउन है, तो ऑब्वियसली बात है मेरी फूड सिक्योरिटी बहुत कम होगी, नहीं होगी फूड सिक्योरिटी। सोसाइटी का साइज, क्योंकि मेरे पास खतरा मौजूद है, तो समाज में जो है वो रिप्रोडक्शन या ढेर सारे बच्चे जब यहां पर मौजूद है, तो क्या होगा सोसाइटी का आकार, क्या हो जाएगा, साइज लार्ज, नो, साइज लार्ज नहीं होगा। अदर एक्टिविटीज, जब मेरे पास सरप्लस ही नहीं है, मैं क्या करूंगा, अन्नगार बनाकर क्या करूंगा, प्रोडक्शन करके अदर, मेरा पूरा समय तो क्या होगा, अपनी खाद्य सुरक्षा को मेंटेन करने में चला जाएगा, अदर एक्टिविटीज नो। कितने लोग हैं,
जो इन तीनों कॉन्सेप्ट को समझ पाए, कितने लोग हैं कि अन्य गतिविधियों में फिर शामिल क्या होंगे, नहीं होंगे या कम संख्या में होंगे, कितने लोग हैं क्लास में? यस या नो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बताएं, जोड़ना सीखिए नई चीज के साथ। मैपिंग कितनी पावरफुल हो सकती है, और हिस्ट्री में भी मैपिंग हो सकती है, ये सब मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। जब भी मैं हर बैच में कुछ नया लेकर आता हूं तो यही कोशिश करता हूं कि आपको कहां चैलेंजेस आ रहे हैं। मजा आया? अब चलें नोट्स खोल लें, अभी तक आपने नोट्स नहीं पढ़ा, लेकिन देखते हैं क्या होता है। चलें